वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। अब हम लोग बात करते हैं, आज नई अपडेट ये आई, एकेडमिक व प्रशिक्षण परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष भरना जरूरी है, ठीक है। अब कैसे भरना वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ऊपर लिखा हुआ प्रदेश के ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद आगे पंजीकरण बता दिए गए, 2.9 लाख पंजीकरण हुए हैं, 1.7 लाख आवेदन हुए। आवेदन का मतलब होता है फाइनल प्रिंट, पंजीकरण होना अलग होता है, ठीक है। कई अभ्यर्थी ऐसे वर्ष हैं जिन्होंने दोनों पदों के लिए पंजीकरण किया है, ठीक है, उस बात को चलते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे से देखते हैं, भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण के कॉलम में सत्र का वर्ष लिखें या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करने का साल, जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। मसलन यदि किसी ने DLED 2017 वर्ष का अभ्यर्थी है और उसने परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण की है, तो उसे कॉलम में 2020 ही लिखना है। साफ साफ इन्होंने भी बोला है, इसी तरह से एकेडमिक परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष लिखा जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लें बहुत अच्छे से, जो लोग उत्तीर्ण वर्ष के लिए परेशान है। और अगली अपडेट क्या आई है बीएड वालों के लिए, कि जूनियर हाई स्कूल सहायक प्राध्यापक ये आगे पढ़ते मेन आते हैं, स्नातक बीएड अभ्यर्थियों हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होने की अनिवार्यता है, अतः बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक में 50% से कम अंक होने की स्थिति में भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन न करें। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त निर्धारित अर्हता न होने के उपरांत भी भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किया है, उनके आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे, वह भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाए संपूर्ण तत्वित अभ्यर्थी को। तो जिनके 50% से ग्रेजुएशन के कम है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना, सब्सक्राइब से रहेगा क्या, आप लोगों को अपडेट भी मिलती रहेगी, हम लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी तरीके मैं भी आप लोगों के साथ लीगल जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, अभी तक जो भी डेटा बताया वही सरकार भी बता रही है, आप टेंशन ना लें, जुड़े रहें।